नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए यहाँ पर लक के विषय में, साथ ही साथ काम देरी से क्यों होता है, विदेश यात्रा और चाइल्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। बाकी ओवरऑल पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी एवं हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी कोई भी काम करने से पहले आप ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, जैसे ही धीरे दिमाग में वो बात आई बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया या फिर एक्शन में ले लिया या फिर किसी बात का बहुत क्विकली बहुत जल्दी रिएक्ट कर देना, ये नेचर आपके अंडर में रहने वाला है। साथ ही साथ जल्दी सोचने समझने की क्षमता, जल्दी निर्णय या प्लानिंग और उन प्लानिंग के अंदर भी चेंजेस कर लेने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है। इसके अलावा किसी के अंडर में रह करके ज़्यादा आप कंफर्टेबली वर्क नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क करके लाइफ में आप ग्रोथ प्रोग्रेस अच्छी पा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पहले काम कर लेते हैं फिर एनालिसिस आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न ले रहे हैं या किसी भी प्लानिंग में चेंजेस कर रहे हैं, तो पहले 5-10 मिनट इत्मीनान से सोच लेने के बाद जो है आपका रिज़ल्ट और ज़्यादा बेटर आने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँच रही है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल अच्छा देखने को मिलता है। अपनी बात को बड़ी ही सरलता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे, कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात करवाना ऐसी कोई गतिविधि नहीं है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और किसी वर्क का रिप्रेजेंटेशन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। यही रीज़न है कि जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसको 100% डन करके ही एट द एंड छोड़ेंगे और बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन वर्क आपका रहने वाला रहेगा। तो बिजनेस के लाइन में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं इस कारण से। और देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर रहेगी, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारते हैं तो नेम फेम के चांसेस आपके और ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। बाकी थर्ड फिंगर यहाँ पर रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो लाइफ में कभी भी रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, यानी हिम्मती स्वभाव रहेगा। यही रीज़न है कि हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना, अपने आप को एनालिसिस करते रहना या चुनौतियों से हमेशा सामना करते रहना, ये भी नेचर में रहेगा। थर्ड फिंगर है सन की, तो सन रॉयल्टी का कारक होता है, तो अपने लाइफ में अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी ये दोनों मेंटेन कर पाएंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति लाइफ में आ जाए आपके, आप कहीं ना कहीं हंसते या दूसरों को खुश रखते ही देखने को मिलेंगे, तो ये क्वालिटीज़ भी आपके अंदर अच्छी देखने को मिली है। और फिंगर के ऊपर भी देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो अति जो है मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, तो आप बड़ी ही सरलता व आसानी से हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी अपना संबंध कुल मिलाकर के कायम रखने में माहिर रहेंगे। इसके अलावा देखें तो फिंगर के फैलेंजेस अच्छे डेवलप हैं, मंगल का क्षेत्र भी डेवलप अच्छा है, तो आपके अंदर स्टेमिना, ऊर्जा, उमंग ये चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है, तो इस कारण से फिजिकली कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है, तो हेल्थ रिलेटेड वाइज भी कोई आपको इश्यू ट्रबल नहीं रहेगा। जहाँ तक बात करें थंब की, तो थंब शॉर्ट जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा सशक्त यानी मजबूत है, तो आपको किसी के सामने भी झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा, आप झुक ही नहीं सकते हैं। बाकी ये ज़रूर है कि कोई आपके पास मदद मांगने आया तो आप कभी भी उसको ना नहीं कहेंगे, लेकिन किसी ने भी आपके सामने थोड़ी भी अकड़ दिखाई या चढ़ने की कोशिश की आप उसको 2 सेकंड में नीचे गिरा देंगे, तो ये एक प्रकार के हठी किस्म के नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण जो भी आप लाइफ में डिमांड रखेंगे या आपके जो भी डिज़ायर्स रहेगी उसको किसी भी हाल में कंप्लीट करने वाले रहेंगे, तो जो भी ठानेंगे वो करके दिखाएंगे। और जहाँ तक देखा जाए तो फर्स्ट फेलेंज के कंपैरिजन में सेकंड फेलेंज की लेंथ ज़्यादा अच्छी है, जो कि लॉजिकल नेचर को इंडिकेट करता है, तो अच्छा लॉजिक लगा के लाइफ में स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ आपका होते रहेगा। देखा जाए तो यहाँ पर यव का चिन्ह भी डेवलप है, जो कि गुड सिक्स्थ सेंस को, इंट्यूशन पावर को, धार्मिकता को व्यक्त करता है। धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान ध्यान रहेगा, लेकिन उसको ज़्यादा शो करना आपको पसंद नहीं रहेगा। बाकी इंटेलिजेंसी आपकी अच्छी रहने वाली है। और जहाँ तक बात किया जाए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर एक प्रकार से आपका स्क्वायरिश है, जो हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रख रहना ये नेचर में आपके। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन बहुत ज़्यादा डेवलप है, जो बताता है कि आपके अंदर डिज़ायर्स, इच्छा, मनोकामना बहुत ज़्यादा है अपने लाइफ को बेटर करने के लिए या घूमने फिरने के लिए, या फिर जिसे हम शौक, अरमान कहते हैं, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इस कारण से कभी भी आप अपने लाइफ में हार नहीं मानेंगे और दूसरों को जितना हो सकता है सहयोग देना, सपोर्ट के साथ साथ किसी भी टाइप की हेल्प करना
वो बिल्कुल बकायदा आप अपने लाइफ में करेंगे। मंगल का जोन भी डेवलप अच्छा है, यानी एक्शन तो डेवलप अच्छा है, तो जो भी सोचते हैं उसको डायरेक्ट एक्शन में कर देते हैं, लेकिन जो थिंकिंग जोन है बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे ही कोई बात आपके दिलो दिमाग में आई, बहुत जल्दी उसको एक्शन में ले लिया लेकिन थिंकिंग नहीं किया। तो एनालिसिस की कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, जो आपके फिंगर से भी शो हो रहा है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कोई भी इशू या ट्रबल नहीं है। तो जैसे पाम पिक के और ज़्यादा क्लियरेंस के लिए आपके सेकंड पाम पिक पे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमको लाइंस क्लियरली विजन हो जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो गुरु माउंट ओवरऑल आपका डेवलप अच्छा है, जो कि सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को, बहुत अच्छे नॉलेज को, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को भी व्यक्त करता है। और यहाँ पर देखें तो इंडिपेंडेंट क्रॉस की आकृति भी बनी है, तो जो जीवन साथी होता है वो सर्वगुण संपन्न देखने को मिलता है, यानी जो अटैचमेंट बॉन्डिंग आपकी आपके स्पाउस से रहेगी बहुत अच्छी रहेगी, बच्चे भी आपके संस्कारी होंगे रहेंगे, और जो पारिवारिक जितना भी सुख हो है वो आप अपने जीवन में अच्छे से इसको इन्जॉय कर पाएंगे। साथ ही साथ गुरु यहाँ पर पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपके नॉलेज को, एम्बिशन को बताता है, तो बहुत एम्बिशियस भी रहेंगे, जिसके कारण छोटी मोटी चीज़ों से डील आप नहीं करेंगे, हमेशा आपकी जो डीलिंग है या थॉट्स है वो हाई प्रोफाइल टॉप की रहने वाली है। और जब टॉप की थिंकिंग रहती है तो अप्रोच भी टॉप का ही रहता है। तो अपने क्षेत्र में उच्च पद अधिकारी होने के योग या अच्छा रिस्पेक्ट मिलने के योग भी आपके ब्राइट है। और जैसे क्रॉस की आकृति है तो खुद के प्रॉपर्टी संपत्ति जागृत योगों को भी ये व्यक्त करता है। आड़ी रेखा दयालुपन को बताती है, तो जैसे दूसरों का दुख दर्द ना देख पाना, खुद से जितना हो सकता है सहयोग प्रदान करना, इस प्रकार का नेचर भी आपका निकल रहा है। तो गुरुमंड यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रोग्रेस लाइन भी गई है, तो एम्बिशियस नेचर देगी। अब जो आपका एक क्वेरी था कि काम बहुत धीरे धीरे होते हैं, उसके पीछे जो वैलिड रीज़न है कि हाथ में कहीं से कहीं तो कोई कमी नहीं है, कि व्यक्ति आलसी है या काम नहीं कर रहा है, बहुत हार्डवर्किंग नेचर है, लेकिन जो कमी आ रही है वो फेट के तरफ से आ रही है, लक। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है वो प्रोमिनेंट तरीके से शनि के क्षेत्र तक नहीं पहुँची है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन स्टार्ट हो रही है वीनस माउंट से, और इसका कनेक्शन हो गया है फिर यहाँ पर चंद्र से, जो कि चंद्र यहाँ पर जब रेखा कनेक्टेड होती है तो लव मैरिज के चांसेस इस कारण से ज़्यादा बढ़ते हैं। और जैसे लव मैरिज भी ना हो तो शादी के बाद मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, क्योंकि मून यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ को, आपकी मदर को और फॉरेन लैंड को इंडिकेट करता है। तो आपका जो लक है बेसिकली वो शादी के बाद और ज़्यादा भाग्योदय होने के योग यहाँ दिख रहे हैं। मदर से अच्छा अटैचमेंट और लगाव, और साथ ही साथ उनकी राय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगी। और जो लाइफ में आपको ग्रोथ मिलने वाला है वो बर्थ प्लेस से दूर मिलेगा, क्योंकि जो मेन फेट लाइन है वो आपकी चंद्र की चल रही है। अब यहाँ पर एक ब्रेक आया है, और ये ब्रेक जो है अप्रोक्सीमेटली इंडिकेट होता है 20 यहाँ पर 6 से लेकर के 28-29 के बीच में कुछ ना कुछ करियर वाइज या मनी वाइज यहाँ पर ट्रबल आया है, क्योंकि फेट लाइन चेंज हुआ है। इसके बाद फेट लाइन इस प्रकार से आपके आगे बढ़ते हुए कंटिन्यूस चल रहा है और डबल लाइन चल रही है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ 35 के एज के बाद से ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर बात करें डिज़ायर्स कंप्लीट होने की या सेटिस्फेक्शन मिलने की, क्योंकि वो तो शनि के क्षेत्र से ही दिखता है, तो यहाँ देख पाएंगे कि फेट लाइन आपकी प्रॉपरली यहाँ तक पहुँची ही नहीं है, जिसके कारण अगर देखेंगे आपकी लाइफ में तो कहीं से कहीं तक कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप संतुष्ट नहीं मिलेंगे, आपको संतुष्टि बहुत रेयरली मिल पाएगा। चिंता, टेंशन, भागा दौड़ी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेगी लाइफ में, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बाकी अगर मनी वाइज बात की जाए तो ये मनी लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, जो अच्छे धन को बता रही है, लेकिन आपको जो अपने लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए या फिर जल्दी जल्दी आप चाहते हैं कि समय के साथ साथ काम हो जाए, क्योंकि जब भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुँचती तो कार्यों में आमतौर पर कुछ ना कुछ अड़चन बाधा आती ही आती है, तो इस कारण से शनि के रेमेडीज करना जरूरी है, ताकि समय रहते काम भी बने, सेटिस्फेक्शन भी आपको लाइफ में प्रॉपरली गेन हो। और दूसरा कि फॉरेन सेटलमेंट, तो यस फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस भी ब्राइट है, क्योंकि मून लक लाइन यहाँ पर निकली हुई है और यहाँ पर सहयोगी आपकी हृदय रेखा गुरु से भी कनेक्टेड है, और लाइफ लाइन का भी फ्लो देखें तो बाहर की ओर ही यहाँ पर झुक रहा है, तो इस कारण से विदेश जाने के योग आपके हाथ में ब्राइट है और सेटलमेंट के योग भी ब्राइट है, लेकिन एट द एंड आप वापस अपने होम टाउन पे ही आने वाले रहेंगे, क्योंकि अंत में आपका जो जीवन रेखा है वो शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो फैमिली से ज़्यादा समय तक दूर नहीं रहने के योगों को बताता है। इसके बाद बात करें आपके सूर्य के क्षेत्र की,
तो यहाँ देख पाएंगे कि जो सूर्य रेखा है वो भी मल्टीपल्स लाइन में चल रही है, तो ये थोड़े कन्फ्यूज़न को भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं करियर वाइज ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। एक ही समय पे एक से ज़्यादा काम करना या हर तरफ अपना हाथ आजमाना या ध्यान बहुत जल्दी भटकना, वैसे योग यहाँ डेवलप हो रहे हैं और आगे चल करके ये और ज़्यादा मल्टीपल्स लाइन में हो रहा है। तो ये यहाँ पर एक प्रकार से सही इसको माना जा सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को और नेम फेम को इंडिकेट करता है। बाकी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको जो है कहीं ना कहीं ट्रबल आएगी करियर वाइज, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो सन माउंट है डेवलप अच्छा है, तो आत्मविश्वास इस कारण से आपके अंदर ठीक रहेगा। पावर अथॉरिटी भी आपके हाथ में रहने वाली है। इसके अलावा मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, तो और यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन होने के कारण जो बोलचाल है वो आपकी अच्छी रहेगी, अट्रैक्टिव नेचर रहेगा, तो इजिली किसी को भी अपने और अट्रैक्ट कर लेना या फिर अपनी बात मनवा लेना या किसी समूह को बांधे रखना, ये सारे नेचर आपके अंदर रहेगी, यानी गुड हीलिंग क्वालिटीज़ है, तो अपने बातों से अच्छा प्रभावित भी दूसरों को आप कर सकते हैं। हृदय रेखा के अंत में जो रेखा आती है ये, तो ये माता पिता का अच्छा सेवा कर पाने के योगों को बताता है। और यहाँ पर देखा जाए तो मेन आपकी हार्ड लाइन इस प्रकार से निकलते हुए शनि पर रुकी है, तो आपके लाइफ में मेन फोकस करियर सेल्फ फोकस अब ज़्यादा रहेंगे। विष्णु सिंबल भी बना है, तो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी ट्रबल में होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे सक्सेस ग्रोथ अच्छा होने लगता है। और यहाँ पर एक जो सहयोगी रेखा है वो गुरु से कनेक्टेड हो गई है, तो इस कारण से बहुत ही ऑनेस्ट लॉयल नेचर यहाँ पर हो गया है आपका, तो किसी का एक रुपये भी आप नहीं रखेंगे। इमोशनल नेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, दिल से थोड़ा ज़्यादा सोचने लगेंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो चंद्र और माइंड लाइन के कारण आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव भी दिख रहे हैं, थिंकिंग भी आपकी ज़्यादा देखने को मिल रही है और लॉजिकल नेचर भी देखने को मिल रहा है। किसी भी चीज़ को आप एक्सप्रेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये भी यानी समझाने की जो क्षमता है आपके अंदर बहुत अच्छी है, और जो भी अपने थॉट्स रहते हैं उसको भी बहुत ईजिली बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके आते हैं माइंड लाइन में, हार्ट लाइन में कोई भी तकलीफ ऐसी नहीं है, तो हेल्थ रिलेटेड कोई इशू प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और यहाँ माइंड लाइन पे है तो माइंड लाइन में भी आपके मंगल का कनेक्शन है, तो जो कि जल्दबाजी हड़बड़ी को बहुत ज़्यादा प्लानिंग उनके अंदर बार बार चेंजेस को इंडिकेट करता है, यानी प्लानिंग ऑन पेपर आपके रहेंगे, एक्शन थोड़ा कम उसमें होगा। और साथ ही साथ जैसे मंगल की रेखा भी यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये सिर्फ यही इंडिकेट नहीं कर रहा है कि जल्दबाजी हड़बड़ी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है ये भी यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि जब मंगल की रेखा माइंड लाइन से कनेक्टेड होती है तो माइंड कहीं ना कहीं फिर भारी रहने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर भार बढ़ जाता है, और भार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, तो उसकी भी कोई कहीं से कहीं तक कमी नहीं दिख रहा है। और माइंड लाइन यहाँ पर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, तो एकदम साफ सुथरे इंसान रहेंगे आप, यानी सीधे रूप से बातचीत करना सुनना ज़्यादा पसंद रहेगा, ज़्यादा घुमा फिरा करके बातचीत करना ना सुनना कोई पसंद नहीं रहेगा। लॉजिकल नेचर है तो बिना लॉजिक लगाए कोई काम भी नहीं करेंगे, और साथ ही साथ मेमोरी शार्प है, तो पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम रहेंगे, नॉलेज अच्छा गेन पर यहाँ पर कर पाएंगे, ग्रेसपिंग स्किल अच्छी है, तो कोई भी चीज़ जल्दी सीख व समझ भी पाएंगे। बाहरी मंगल की तरफ से एक दो सहयोगी रेखा यहाँ पर आ रही है, ऊपर की ओर भी इस प्रकार से उठ रही है, तो इस कारण से डिसीजन मेकिंग स्किल में बढ़ोतरी होगा, क्लेवर मेंटेलिटी होगी और ग्रोथ फिर अच्छा होने लगेगा। यहाँ पर देखें तो आपके माइंड लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन जा रही है, जब माइंड लाइन से इस प्रकार से प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो व्यक्ति अपने खुद के डिसीजंस के कारण फिर एनालिसिस के एक प्रकार से कैपेसिटी के कारण ग्रोथ करने लगता है, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आपको खुद के, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाने वाले भी रहेंगे। तो माइंड लाइन में भी ऐसी कोई ख़राबी नहीं है, बहुत सही माइंड लाइन है। बात करते हैं लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन जल्दी इंडिपेंडेंट हो गया, तो जल्दी आपको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी मिल गई है, जीवन जीने की जैसी तमन्ना रही है या जैसी भी थिंकिंग रही है आपको इंडिपेंडेंसी अच्छी खासी मिल गई है। और साथ ही साथ जो प्रोग्रेस लाइन इसमें कंटिन्यूस निकल रहा है, तो इस कारण से ग्रोथ सक्सेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। जो लाइफ में थोड़ा टफ सिचुएशन आपके आएगा, ये राहु रेखा ने जो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन को काटा हुआ है, तो जो टफ सिचुएशन रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली आपका 36 से लेकर के 41 के बीच में रहने वाला है, लेकिन कोई इसमें ट्रबल नहीं है क्योंकि फेट लाइन तब प्रोमिनेंट चल रही है और फिर लाइफ लाइन उसके बाद और ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो ज़्यादा ट्रबल नहीं है होगा, जैसे आएगा वैसे चला भी जाएगा। तब भी आप राहु के थोड़े रेमेडीज़ करिए और मेनली शनि के करिए, क्योंकि राहु शनि के ही अंतर्गत आता है, तो शनि सही होगा तो ऑटोमेटिकली भाग्य मजबूत होगा, तो कोई तकलीफ ऐसी आनी नहीं है। इसके अलावा बात करें तो अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों डेवलप है, तो आपके अंदर एक प्रकार से ऊर्जा बहुत अच्छी है, स्टेमिना भी बहुत अच्छी है, बहुत क्विकली किसी बात का रिएक्ट करना। एक और चीज़ होती है, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी होगा, तो यही वाली बात है कि अगर आपके अकॉर्डिंगली जैसे काम नहीं होता है तो बहुत जल्दी इरिटेट फ्रस्ट्रेट या किसी भी बात को क्विकली रिएक्ट करना ये आपके नेचर में है, इस पर थोड़ा कंट्रोल हो जाए
तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। बाकी बहुत ही गिवर टाइप का आपका नेचर है। गिवर मतलब कभी किसी को ना नहीं कर पाना, हाँ करना, सहयोग देना, जितना आपके पास है उतना दे देना, ये एक प्रकार से गिवर नेचर में आता है। टेकिंग नेचर नहीं है, जो दे दिया सो दे दिया, वापस लेंगे नहीं आप, तो ये भी नेचर में रहेगा। और बाकी देखें तो अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों डेवलप है, तो एक प्रकार से एग्रेशन जरूर है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन एग्रेशन सोच समझ के आप अपना निकालते हैं, तो ये एक प्रकार से अच्छी क्वालिटीज़ में आता है, तो इस कारण से फिर कोई इशू नहीं है। शुक्र माउंट डेवलप अच्छा है, तो जीवन जीने की इच्छा ज़्यादा रहती है, लग्जरियस लाइफ अच्छी मेंटेन कर पाएंगे, लाइफ में अपने रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा अच्छा रख पाएंगे आप, और अच्छी रहन सहन, खान पान, घूमना फिरना, हर प्रकार का जो एन्जॉयमेंट होता है लाइफ में सब कर पाएंगे। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, तो लाइफ में से कोई अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहेगी। और थोड़ी आड़ी रेखा फैमिली और मनी को लेकर के थोड़ा टेंस्ड कर सकती है, तो ओवर थिंकिंग से बचे, क्योंकि ओवर थिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग होगा और इस कारण से आपका शुक्र फिर पीड़ित होगा, तो इसलिए इससे बच के रहें। केतु के क्षेत्र पर डिवाइडेड लाइफलाइन, ट्रैवलिंग खूब करवाएगी आपकी, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्रा भी शुभ फलदायक रहेगी। और चंद्र के क्षेत्र पर एक प्रकार से आपका रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कि स्क्वायर कट साइन भी प्रॉपर क्लियर कट दिख रहा है। जब ये चंद्र होता है बाहरी दुनिया बाहरी लोगों के विषय में बताता है, तो आपके खुद के प्रॉपर्टी बनने की योग बर्थ प्लेस से दूर है, यानी फॉरेन लैंड में आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी। सच सुनना, सच का साथ देना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। चंद्र है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर रहेगी, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारते हैं तो नेम फेम आपके देश विदेश तक भी होने के चांसेस रहेंगे। और साथ ही साथ जो थिंकिंग हुई आपकी, इमेजिनेशन हुआ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो एक्सप्रेशन है वो भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो किसी बात को एक्सप्रेस अच्छा कर सकते हैं, अपने थॉट को एक्सप्रेस अच्छा कर सकते हैं। तो चंद्र है तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और इसी में से एक प्रकार से आपकी फेट लाइन और ज़्यादा निकल रही है। तो जो वैवाहिक जीवन है उसके बाद भाग्य उन्नति के योग अच्छे हैं, फिर आगे चल करके जैसे बेबी गर्ल होगी तो भी आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। चंद्र ठीक है तो फॉरेन लैंड में रसने बसने का योग भी अच्छा है, फिर यहाँ से मरकरी लाइन भी धीरे धीरे अब निकल रही है, तो मैनेजमेंट आपका अब अच्छा होगा और बिजनेस में आने के योग भी ब्राइट है। बाकी ओवरऑल देखें तो फेट लाइन, यहाँ पर मनी ट्रायंगल पूरा ओपन है, तो इस कारण से धन जीवन में अच्छा आएगा तो सही, लेकिन उसको रोक पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो पैसे हमेशा किसी ऐसे हाथ में दें जिसमें उनके हाथ में रुक सकने के योग हों, या फिर कहीं ना कहीं जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपके लिए सही रहेगा, ताकि वो पैसा बचे, बढ़े और रुके भी। अब लास्ट में आपकी क्वेरी थी कि चाइल्ड के योग, तो चाइल्ड के जो यहाँ पर योग देखने को मिल रहे, जो आपकी हल्की से ये जो फेट लाइन निकली है, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ जो एज निकल के आ रहा है वो 34-35 है, तो बेबी गर्ल के चांसेस इसी में बहुत ब्राइट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका एक प्रकार से ये ओपन हो गया है, फिर उसके बाद एक और इस प्रकार से एक आइलैंड बना है, देन आफ्टर एक वी सिंबल बना हुआ है, तो दो चाइल्ड होने के योग यहाँ पर ब्राइट है, एक बेबी गर्ल के और एक बेबी बॉय के। लेकिन ये कन्फर्मेशन लाइफ पार्टनर का हाथ देख करके ही होता है, बाकी आपके हाथ में ये चांसेस जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट देखने को मिल रहे हैं। और आगे चल करके प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट के चांसेस आपके इस प्रकार से ब्राइट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट ब्राइट हो रहा है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।